नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो में। देश और दुनिया के तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों को लेकर आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हो चले हैं। चलिए सभी खबरों को एक एक विस्तार से बताएं, उससे पहले ही एक नजर आज के मुख्य और बड़ी समाचार की ओर नजर डाल लेते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव को उन शक्तिशाली नेताओं में शुमार किया गया जो यहाँ 35 साल के अंदर में है, और साथ ही साथ हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली लोगों में से भी उन्हें शामिल किया गया, जिसके बाद में इंडिया टुडे मैगजीन के पहले पन्ने पर तेजस्वी यादव की तस्वीर छपने को लेकर के अब विपक्षी दलों में पूरी तरीके से भूचाल मच गया है। तेजस्वी यादव को इंडियन टुडे के मैगजीन के पहले पन्ने पर छापा जाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और उसमें शुमार किया गया है कि 35 वर्ष के अंदर बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले 100 लोगों में तेजस्वी यादव भी शामिल है। तेजस्वी यादव के साथ बिहार के नेता कन्हैया कुमार भी शामिल है। वहीं तेजस्वी यादव की सरकार बनने की बात सामने भी आ रही है। अगर आपको भी लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बननी चाहिए तो वीडियो को लाइक और समर्थन दर्ज करना ना भूलें। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जो सजा याचिका थे अब इस मामले को लेकर के, जी हाँ, तोमक उसके घर में जिस तरीके से अवैध निकासी हुई थी, अब निकासी के मामले को लेकर के एक बार फिर से जनवरी महीनों में बड़ा फैसला कोर्ट का आना है। सीबीआई ने अपनी सभी दस्तावेज को डाल दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट का फैसला किसके हक में आता है। जनवरी महीने में पड़ सकते हैं लालू प्रसाद यादव की मुश्किल। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही, इस वक्त दरअसल नीतीश कुमार ने अहम और बड़ा फैसला लेने का मूड बना लिया है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ साथ यहाँ मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी कोरोना संक्रमण पाए गए, जिसके बाद में मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत करते हुए और मीडिया को इससे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बिहार में महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार हमेशा से सतर्क रहती है और एक बार फिर से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को दिया सुझाव, कहा कि अब बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार अस्थायी रूप से जनता दरबार बंद कर दे, क्योंकि अगर जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं ये मामले साफ तौर पे सरकार के भी चिंताएं बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को यह आश्वासन दिया कि जनता दरबार से लोगों को जितना फायदा होता है ये सबको पता है, इसलिए इसे देखते हुए जनता दरबार को कम से कम कोरोना काल जो फैल रहा है कोरोना उस वक्त तक बंद किया जाए, लोगों को परेशानियां थोड़ी बहुत हो सकती हैं। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही, इस वक्त देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के साथ साथ कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने के मामले सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना डेल्टा और ओमिक्रॉन का बारिश ही आ गया है, जिसको देखते हुए सरकारों ने यह महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लेना उचित समझा। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी रात्रि में घरों से बाहर निकलने पर पुलिस आपका चालान कर सकती है। बिना किसी वजह घरों से बाहर निकलना ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, 15 साल से लेकर के 18 साल के युवाओं को वैक्सीनेशन लगाने की, जहां जो कि स्कूल और कॉलेज जाया करते हैं उन लोगों को वैक्सीन लगाने की बात सरकार ने कही। सरकार ने यह कहा कि अब वैक्सीन 3 जनवरी से लगाए जाएंगे और 3 जनवरी के बाद में जहां वैक्सीन के सभी जगहों पर स्लॉट बुक नजर आए। इतना ही नहीं, नोएडा दिल्ली NCR में लंबी कतारों में बच्चे लाइन में लगकर वैक्सीन लगाने की जद्दोजहद करते हुए दिखे। सरकार लगातार योजनाएं बना रही है कैसे दिया जाए वैक्सीनेशन। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, अब अखिलेश यादव के तमाम करीबियों पर, जी हाँ, आपको बता दें कि IT का रेड पड़ रहा है। इतना ही नहीं, आज पुष्पराज जैन के घर से 20 करोड़ की फर्जी खरीद बिक्री का मामला सामने आया, जिसके बाद में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी जद्दोजहद लगातार कर रही है भाजपा को हराने की और अपनी सरकार बनाने की। इतना ही नहीं, नीतीश आपको बता दें कि तमाम लोगों से बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं जनता। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही, पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर से यहाँ गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, राजस्थान में पेट्रोल की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई। राजस्थान के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर राजस्थान के तमाम लोगों की परेशानियां भी सामने आई। पेट्रोल की डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ सरकार ने काफी चिंता व्यक्त किया आमजनों के साथ साथ।
बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, ताइवान ने अब पाकिस्तान को दिखाया आंख, जहां सीमा सुरक्षा को लेकर के जवानों को किया तैनात। पाकिस्तान लगातार ताइवान को छोटा समझ रहा था, लेकिन ये छोटा समझना ही पाकिस्तान को काफी महंगा पड़ गया है। ताइवान ने अब हथियारों का जगीरा पाकिस्तान बॉर्डर की ओर रुख कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान का पूरी तरीके से हवा गुम नजर आ रहा है। पाकिस्तान लगातार बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त। दरअसल देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला भी ले लिया है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पे इस बात का ऐलान कर दिया था कि इसी साल में चुनाव कराए जाएंगे। कोरोना के मामले को भी देखते हुए और तमाम चीजों को देखते हुए भी इस राज्य में चुनाव कराने की मांग जो है वो सही समय पर है। और अब इसी हफ्ते के अंदर आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान किया जा सकता है 5 राज्यों के चुनाव का। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है शादी और विवाहों को लेकर के। दरअसल आपको बता दें, शादी और विवाहों पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत महाराष्ट्र के सरकारों ने पूरी तरीके से लिमिटेशन कर दिया है। अगर आप शादी और विवाह करना चाहते हैं कोरोना के बढ़ते मामलों में भी, तो लिमिट से ही आपको लोगों को बुलाना होगा, आपके हित मित्र साथियों के साथ लोगों पर जी हाँ पूरी तरीके से पाबंदियां होगी। साथ ही साथ अगर शादी विवाह किया जाता है, इसमें प्रोटोकॉल और कोरोना के नियमों का खास ध्यान रखने की जरूरत भी की जाएगी। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राम नाम नाम लेकर अयोध्या में राम की नगरी में चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ, या फिर कहीं और से दावा पेश करेंगे, इसकी तमाम बातें तो चल ही रही थी। अब समाजवादियों ने भी ऐलान कर दिया कि अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ेंगे। अब योगी आदित्यनाथ का सीट पक्का होने पर समाजवादी भी कर सकते हैं बड़ा ऐलान तारीखों का। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत नए साल में जहां कम हुई, वहीं गृहिणियों के साथ साथ लोगों ने राहत की सांस ली। सरकार से की अपील कि पेट्रोल और डीजल की भी कीमत कम की जाए। आपको याद है कि 102 रुपये एलपीजी सिलेंडर की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है, और यह एक बड़ा कीमत होता है। कहीं ना कहीं 102 रुपये लोगों के लिए बड़ी रकम होती है, और इससे लोगों को राहत का सांस मिला। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। अजय मिश्र टेनी अब जी हाँ लगातार फंसते हुए दिख रहे हैं। आपको बता देते हैं कि आज लखीमपुर खीरी वाले मामले में चार्जशीट दाखिल हुई, 5,000 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई। इस मामले में मुख्य आरोपी अजय मिश्र, गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी के आपको बता दें कि बेटे आशीष मिश्र को बनाया गया, लेकिन अभी तक मंत्री जी का इस्तीफा नहीं लिया गया है भाजपा की ओर से। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। अब बैंकों के लॉकर के लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए नियम जारी किए। दरअसल आपको बता दें कि 3 साल के रिटर्न्स, और साथ ही साथ अगर आप बैंकों के लॉकर में कोई भी खजाना रखते हैं, उस सिचुएशन में बैंक के आपात स्थितियों में आने पर अगर आपका पैसा गायब हो जाता है या फिर कोई गलती हो जाती है, 100 गुना आपको जितना आप उसका चार्ज भरते हैं उसका 100 गुना पैसा आपको दिया जाएगा, एवं थोड़ी सी तकलीफें बढ़ सकती है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता में जिस तरीके से गिरावट दर्ज की गई है, इतना ही नहीं अब योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में जद्दोजहद कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण किसान है, और किसानों ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चेता दिया। उन्होंने बता दिया कि अजय मिश्र टेनी की इस्तीफा नहीं लेती है अगर मोदी सरकार, तो फिलहाल तैयार रहे, दिल्ली फिर से पहुंचेंगे और फिर से होगा हंगामा। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां केजरीवाल सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है। केजरीवाल सरकार ने रातों में नाइट कर्फ्यू और साथ ही साथ दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन पर रोक लगाने के लिए सख्त चेकिंग का अभियान शुरू किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेकअप किया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना जो पॉजिटिव है उन्हें इलाज के लिए पूरा प्रतिबंध किया गया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि कोरोना के मामलों को देखते हुए सभी सरकारों को कराना चाहिए पड़ोसी राज्यों के साथ साथ।
बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इस वक्त। दरअसल देश में, जी हाँ, देश में पॉल्यूशन के बढ़ते मामले चिंताएं व्यक्त कर ही रहे हैं। दिल्ली में जी हाँ 380 एयर इंडेक्स पर पॉल्यूशन का मामला पाया गया, तो अब ठंड ने भी लोगों का हाल कपा रखा है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की बात करें, कश्मीर की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो इन सभी राज्यों के अंदर कई राज्यों में बर्फबारी तो कई राज्यों में ठंड के बढ़ते सिकुड़न ने लोगों की चिंताएं बढ़ाना शुरू कर दिया है। ठंड का आनंद लोग ले रहे हैं। सभी खबरों को एक एक विस्तार से बताएंगे, उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारी मेहनत का फल वीडियो को लाइक करने से मिलता है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें आप तक पहुंचाते रहे और लेकर आते रहे। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बता दें, अफगानिस्तान पर जिस तरीके से ताइवान ने आपको बता दें कब्जा किया, अब इसके बाद में ताइवानियों ने आज कई हजार लीटर शराब बहा दिया और उन्होंने अफगानिस्तान को शराब मुक्त करने की भी बात कही। दरअसल मुस्लिम धर्मों के अंदर यह बात को लेकर के माना जाता है कि शराब पीने वाले लोग हराम टाइप ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल, मतलब एक धर्म से बंधा हुआ एक रीति रिवाज है जो मुस्लिम कम्युनिटी को शराब ना पीने पर मजबूर करती है। अब इसी चीज़ों को लेकर के ताइवान कहीं ना कहीं संपूर्ण शराबबंदी करने वाला है और शराबों का इस्तेमाल करना ये मुस्लिम धर्मों में एक आपको बता दें कि बहुत गलत माना जाता है, जिसके साथ अब आज ताइवान के अंदर ताइवानियों ने अफगानिस्तान के अंदर शराबों को बहाया और शराबों का विरोध किया। ये बड़ी बात है एक देश के लिए। बिहार में भी संपूर्ण शराबबंदी है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब इतना ही नहीं, देश में डेल्टा और ओमिक्रॉन के वेरिएंट लगातार बढ़ने लगे हैं और डेल्टा और ओमिक्रॉन लगातार लोगों की चिंताएं भी बरसा रहे हैं। इतना ही नहीं, देश में डेल्टा और ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना के पहले वेरियंट भी तबाही मचा रखा है। डेल्टा और ओमिक्रॉन के नए वेरियंट का जो आपको बता दें कि मरीज है, 1765 मरीज अभी तक पाए गए हैं पूरे हिंदुस्तान में, और यह मामला काफी तेजी से फैल रहा है और यह लोगों का संख्या भी काफी तेजी से फैल रहा है, जिसके साथ नए वेरिएंट की खुलासा होने के बाद में सरकार काफी ज्यादा चिंतित है। लॉकडाउन समेत ये तमाम चीजों की निगरानी और रणनीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सरकार समय रहते क्या कुछ बड़ा फैसला लेती है और किस तरीके से इस पर काबू करने का अपना मूड बनाती है। सरकार द्वारा लिए जाने वाले फैसलों का स्वाभिमान अभिमान लगातार बढ़ता है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, समाजवादियों ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा अब उत्तर प्रदेश में अगर योगी राज है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, तो अब अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और अखिलेश यादव उस समय ऐलान करेंगे अपनी सीटों का जब योगी आदित्यनाथ अपनी सीटों का ऐलान कर देंगे। जी हाँ, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां जद्दोजहद करने में लगी हुई। अब इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने भी नया चाल चल दिया है और किसानों को साथ लाने के साथ जी उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को साथ लाना भी शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट घरेलू बिजली बिल मुक्त रहेगा, इसके साथ किसानों के लिए भी सिंचाई की व्यवस्थाएं मुफ्त में की जाएगी, इसके लिए एक भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, जिसके बाद में तारीफ लगातार की जा रही है और कहीं ना कहीं लोकप्रियता जी हाँ अब बढ़ती जा रही है, तो समाजवादियों का लगातार ताकत उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आज का इतना ही, हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।